नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। बेटा डर लग रहा है आपको? डर लग रहा है क्या? नहीं, किस चीज का डर लग रहा है बेटा आपको? अच्छा बेटा कोई बात नहीं, बेटा बैठ जाओ। किस चीज से डर लग रहा है बेटा आपको? कोई बात नहीं, बैठ जाओ। आप क्यों रो रहे हो? तुम आना क्यों कर रहे हो? आप प्लीज आइए ना। दरभंगा, केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में बिहार में कई स्थानों पर उत्पात मचाया गया। प्रदर्शनकारियों की भीड़ कहीं हाईवे जाम करती हुई नजर आई तो कहीं ट्रेनों को अवरुद्ध करते दिखी। दरभंगा में स्कूली बच्चों की बस भी उपद्रव की चपेट में आ गई। बाद में पुलिस के हस्तक्षेप से वह बस नाकाबंदी से बाहर निकलने में सफल रही। इस दौरान बस में सवार बच्चे बेहद डर गए थे, उनमें से कई बच्चे रोने लगे। पुलिस कर्मी ने जब पूछा कि बेटा तुमको डर लग रहा है तो बच्चों ने सिसकते हुए हाँ में जवाब दिया। न्यूज एजेंसी के वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे स्कूली बच्चों की बस प्रदर्शनकारियों के बीच फंसी है, उसमें छोटे छोटे स्कूली बच्चे सवार हैं। बता दिया जाए कि अग्निपथ योजना के विरोध में देश के कई राज्यों में जोरदार प्रदर्शन हो रही है। बहुत से स्थानों पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने सरकारी व प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। सबसे ज्यादा प्रदर्शन बिहार और हरियाणा राज्य में हो रही है। बिहार के बेतिया में डिप्टी सीएम रेणु देवी के आवास पर भी उत्पात मचा रखा है। बेतिया में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के घर पर भी हमला हुआ है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।